दलदल में फंस रखे क्रेन के द्वारा बना बारह निकाले गए हो, इतनी भयंकर तरीका से फंस रखे अभी। महेंद्र राजेश को अंग दोनों मोबाइल कौन पा रहे हो प्लस मोटरसाइकिल चाबी कौन पा रही और भी दो रानी बा जहरीली गैस चैम्बर के अंदर से निकली आगे पानी सिर तक पानी हाथ दिख रहे खाली हाथ हिल रहे हो भाग्यो भाग्यो आयो मुकेश देखो हाथ कपड़े हो हाथ के साके सजन में क्यों बैठ ज्यादा हो मुकेश भी साके मान चल गए सिंगल 10 रुपया को एक मास्क आवे वो मास्क भी आने उपलब्ध नहीं करवाया जाए टाइम कर रहे सीवरेज में काम करता हूँ 2.5-3 साल हो गया बन देखता थोड़ी तो के काम करे मार सामने वो गाड़ी चलाते हो रात में धरना को पर बैठे तीन 3:30 बजे एक जो फैसलो हो पायो के बात को पर जगी राय हो पाई यार के बात पर जगी अमल भरी नमस्कार राम राम मेरा नाम शफीक है और झलको सिकर में दुख भरा शब्दा के साथ हरो स्वागत कर रही हूँ जी आपा मथा ने बताया गया फतेहपुर का अंदर वाल्मीकि समाज का सफाई कर्मचारी की सीवर को चैम्बर में अंदर जा सफाई करवा की वजह मौत हुई ही तीन जो मजदूर हा तीन की जो मौत हुई जब अंदर एक परिवार रू अपा बात करी हाँ दूसरों परिवार राजेश का दो या फिर बाको एक नाम महेंद्र भी है बाकी घर के अंदर मैं मौजूद हूँ लोग है जगह भी दाग दे रहे जगह आया ही परिवार की स्थिति घर परिवार की स्थिति जगह मेरे पीछे थे मकान देख रहे आवाज़ खुद कर सको कि किसी की हालत में काम कर रहा के हिसाब हुए काम कर रहा कहीं आकर जाग जीवन यापन यो रहे हो जगह मेरे पीछे देख सको ओ घर है बाको जीवन चाल सके सुबह 4 आवर शाम को सोर वापस काम पर जा सके यहाँ की स्थिति ही घर परिवार की बार बार कह रहे हूँ के जी साहब का हालात आपने ये रास्ता के अंदर दिखे आज गली थे देख रहे हो बड़ा भाई कार खड़ी है बीचा दूसरों घर है जठा आप जा रहे हैं बट बात करी हाँ वो एक अलग घर है सब घर परिवार हूँ बात कर पास का अलावा मैं पहली बात तो आज थार कर लूँ जीवन में पहली आयल की चीज देखे हो गए एक ही रास्ता इन शब एक साथ एक ही लोग एक ही रास्ता हाँ। बहुत ही दुखद बात है समाज के लिए भी और फतेहपुर के लिए भी और सिक्कर के लिए भी आगे घर परिवार की हालत कैसी है साहब कमाना रहा वो एक ही हो और डैमेज के ना सीवरेज में काम करता तो बस कितना टाइम हो कर रहे सीवरेज में काम करता 2.5-3 साल हो गया ड्यूटी को कोई टाइम शेड्यूल कोई टाइम को नहीं हो सुबह 6 बजे निकलता तो सुबह 4 बजे आ जाए तो कोई टाइम कोई 10 बजे आ जाए तो कोई टाइम टेबल को नहीं हो कोई टाइम ना दिन को रात को कोई टाइम को नहीं हो तो आ कौन सी ड्यूटी है फिर अब दुकान फिर एल एन टी आ रहा है चाहे जाए तो फोन आ जाए तो आधी रात नहीं बोला आना जाना और जाना पड़ता जाना पड़ता पगार कितने का देता पगार 500 रुपया डेली का 15,000 रुपया मंथली 15,000 रुपया बीमा सेवा में जी पी एस सी बो के कट्टे कर जो काट लेता सुविधा का नाम पर कहीं मिल रहा है सुविधा फिलहाल तो कुछ को नहीं मिली ठीक है काम करो मैं स्टूडियो काम करता हूँ आप छोड़ दियो चलो गलने से चलो डलेट होता है ठीक है लागो राजेश जी का भाई चाचा का बड्डो भाई सागी सागी भाई हो तो एक काम करे है जी हाँ बड्डो भाई आप काम करो तो आपने बिरो रहे हो कि वो क्या हाल में काम करा है एक काम पर जाओ कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट क्यों वगैरह दे जाए क्या तो सर मैं बन देखता थोड़ी तो के काम करे मार सामने वो गाड़ी चलाते हो अच्छा चलते सिविलाइज में बांट देता कोई काम थे कोनी के आदमी थे कोनी अभी वो आदमी ड्राइवर नहीं आता तो ड्राइवर की जगह कर देता और मजदूर नहीं आता तो मजदूर की जगह लगा देता यो काम हो कोई नौकरी थे कोने के यो काम हाँ। आदमी को है कि नहीं मर्जी माँ वो काम करवा ले कोई काम नहीं कोई मर्जी माँ वो काम कर ले सरिया उठवा लेता उठवा लेगा पाइप उठवा ले वांगने वो काम हो कोई थे कोने कोई थे कोने तो आज सूचना था न कद मिली कति बजे घटना घटी कणा सी थे पूछा मौका मन तो सर बेरो पट्टी और आदना जाता हूँ और तो पूरा मोहल्ला नहीं बेरो मैंने कहा मैं हॉस्पिटल गया ना मैंने बोला सही है सीकर ले गया अच्छा तो मैं बढ़ सके मैं घबराहट हो जाए मैं छलो गए लड़ जाए इस बस घबराहट हो जाए तो मैं आ गया मैं दवाई पानी लेकर पछो गए मैं बाद में बोले क्यों बांद्रा बना रहे होते हैं जिसी बात बताओ उन्हें बताना तो पड़ी बार नहीं तो बाद में बताना पड़ी मेरे को जाना मैं खुद ही ठड्डो कर लियो जन मैं होना और काम तो हो गए थे मैंने बताओ जैसे मत बताओ बी के बाद में मैंने बेरो पट गया मैं पूरी रात 2:45 बजे तक बैठी हो धरना प्रदर्शन सो पहली बात आया सामने आई हमारे तो कि पहली एक मजदूर नीचे फंसियो हाँ मन काट पा के लिए दो लोग फंसियो कौन सो आम हो फर्स्ट में सजन हूँ बाका मकान जो पिछली हाँ सज्जन जी का घर भी आप चा लेंगा और ए बाद में मैंने नीचे देखा दूसरा नंबर पर मुकेश हाँ मुकेश जब जब वो यहाँ हाथ लगाए ना सज्जन को चेहरा तक पानी आ गया हाथ हिल रो जब वो देखा आपा काट ले चाहे बार है बिना काटने के चक्कर में सजन थोड़ा डील में भारी हो मुकेश थोड़ा अड़को बिग साके वो आ गया नीचे चलेगा बाद में महेंद्र है ना बांध देख लियो बांध काटने के चक्कर में वो चल गया यानी पहली एक जो अंदर हो बाता तो पानी के अंदर हो तो बन सिर तक आगे पानी हाथ सिर तक पानी आ गया हाथ दिख रहे खाली हाथ हिल रहे हाथ हिल रहे जाना भाग्यो भाग्यो आयो मुकेश देखो हाथ कपड़े हो हाथ के साके सजन में क्यों बैठ ज्यादा हो मुकेश बिग साके मैं चल गया मैं चल गया फिर भी दोनों दोनों देख कर जी महेंद्र आयो महेंद्र जी राजेश आयो जन राजेश से कह रहे हो हां बे बन कार्ड भाग लेगा तो बे भी नीचे चले हां तो 2 बजे की आ रही लेकिन शाम में 4 बजे तक बताया मतलब 2 बजे तो बे अंदर गिरा 4 बजे तक 4 बजे बन कट गए हां
दो घंटा था, कोई चेती कोई शुद्ध कोई कुल्ली नहीं, हमने तो उनका तीन का मालूम चल रहा है कि वो तीन ही थे। ठीक है, काम करो। मैं तो स्टूडेंट हूँ महेंद्र राजेश को, हम दोनों मोबाइल कौन पा रहे हो प्लस मोटरसाइकिल चाबी कौन पा रही। छः बजे हमें कॉल करियो ना जना महेंद्र राजेश है ना, भी कॉल चालू हो बेस्त बता रहे हो, एक बाद में रात ना 8-9 बजे फोन करियो ना पाछो, जना भी फोन दोनों स्विच ऑफ पा रहा। आपको काट दिया कोई कंपनी अभी तक मिला ही कोई नहीं, अभी तक कोई नहीं मिला दोनों जाया करता, तीनों जाया करता। और मोटरसाइकिल जी गायब है अभी तक, और मोबाइल फोन देखा तीन का यार दोनों का, दो का फोन आप सज्जन का नहीं हो, एक सज्जन का उनको नहीं हो फोन, दो का फोन भी गायब है। तो हो सके के भी जो चैम्बर में उतरे बैठे गिर क्या हो, तो भी मैं गिरता सर वो चालू कौन रहता 6 बजे तक पड़ता है बंद हो जाए तो बेस्ट कौन बता दो फोन बेस्ट बता रहे हो। कितनी बजे पूछा बटे? 4:30 बजे। 4:30 बजे, 4:30 बजे भी अंदर ही है, अंदर ही है। हाँ तीनों जैसे 4 फुट को चैम्बर है बैक अंदर, 4 फुट चौड़ाई ही और लगभग 20 से 22 फुट गहरो हो चैम्बर, और मैं पहुंचा जट तक भी तीनों अंदर ही है चैम्बर के, दलदल में फंस रखा क्रेन के द्वारा बने बारह निकाले गए, इतनी भयंकर तरीका से फंस रखा अभी नगर परिषद में फायर ब्रिगेड पर ड्राइवर हूँ। अच्छा अच्छा, तो ए जो काम करे लोग सफाई का चैम्बर का अने काम करता थारे देखो है के हिसाब में काम करे है ये, क्या हालत आगे काम करता? हालत बहुत के बताऊं था ना, बहुत खराब हालत है कि अने परिषद का अधिकारी कर्मचारी एलएनटी का जो उच्च लेवल का अधिकारी है बयान पर प्रेशर मना कर आना अंदर घुसना के लिए मजबूर करो जा है, यो निकालनो पड़ेगो। और दूसरी बात, कोई मजदूर देख लो पूरे वाल्मीकि समाज में खटे भी कोई भी तरह की आगने सेफ्टी नहीं है, सिंगल 10 रुपये को एक मास्क आवे, वो मास्क भी आना उपलब्ध नहीं करवाए जावा, सीधा है ना मात्र एक अंडरवियर में चैम्बर में उतार दियो जावा, और भी अंडरवियर में ही ये हाथ से काम करे सारो काम करे, बहुत बदतर स्थिति हो रही है एकदम वाल्मीकि समाज की। हाँ पूरे हाथ से काम करना पड़ा ना। और जो चैम्बर जी में तीन लोग डूबे हैं या जे गैस की वजह उनकी की मौत हुई है, वो चैम्बर के अंदर पहले ही पानी हो और भी पानी के अंदर आना उतारे गए, पानी के अंदर ही आना उतारे गए, डाट निकालना का कोई कारण से ही गया कि ना बस आना ओनली फोन पर सूचना ही मिली कभी जगह थन जानो है यो काम करना है, और ये आगे जाके कोई बातचीत करी अधिकारी से कोई से भी कहीं में कौन गुस्सा हो जा जाना भाई, अधिकारी भी दबाव मना हुआ कर्मचारी पे तो घुसनो पड़ सीर करके आप दबाव मना कानो नीचे उतारे गए हो, और भी दौरान ही बा जहरीली गैस चैम्बर के अंदर से निकली जी, कोई आवाज़ को नहीं उठा सका, आवाज़ उठावे ना जन सीधो सीधो एक ही जवाब है अधिकारी ने कि तेरो घर ले यो काम कर सके तो देख ले नहीं तेरो घर जा। परिवार में और कौन कौन है? अगर परिवार में की छोटी छोटी दो बच्चियाँ है और दो बच्चा है, और यही सिंगल पर्सन ही कमानिया है। थे जिया कह रहा मशीन निकाले गए? हाँ क्रेन द्वारा निकाले गए, तीन आदमी अंदर मर चुका है लापरवाही की वजह में बगैर कोई इक्विपमेंट, बिना कोई इक्विपमेंट, जो आदमी चौथो उतरियो है चौथो क्रेन द्वारा नीचे उतरियो है वो भी बिना सेफ्टी, चौथा की जान और जोखिम में डालने के लिए एलएनटी कंपनी बिना सेफ्टी के तैयार है भाई, बगैर कपड़ा के बिना कपड़ा के बाहर निकालने के लिए क्रेन द्वारा अंदर गयो है। रात ना धरना को पर बैठे हाँ। 3:30 बजे एक जो फैसलो हो पायो के बात को पर जगी राय हो पाई यार के बात पर जगी अमल भरी जो धरना को पर जो थे लोग बैठे हाँ। आश्वासन मिलो है प्रशासन की तरफ हूँ आश्वासन मिलो है SDMM हाँ विधायक जी हाँ सब बैठाई हाँ ADM साहब भी आया सीकर से, तो बे लाख लाख रुपया तो तीन उम्र तक परिवार ने परिजन ने और केस एक दिया गया दाह संस्कार का, और 10-10 लाख रुपया आज आके अकाउंट में जो मम्मी ने बका अकाउंट में डालने की बात है, और 20-20 लाख रुपया और 2-4 दिन में जो भी भाई कागज कार्रवाई प्रक्रिया है भी साबू 2-4 दिन में 20-20 या करके टोटल मात्र 30-30 लाख रुपया को आको क्लेम जो आप बोला पेंशन वगैरह पास हो है, अभी के अलावा विधवा पेंशन है भी की रात न बात हुई है विधायक जी से, और जो LNT की पेंशन लगभग 7 महीने का 7.5 मंथली जो आगे सैलरी अभी की आधी पेंशन आएगी। अच्छा अच्छा, तो आगे लगभग 15,000 रुपया 13,000 रुपया जो भी नौकरी की भी बात कही दी गई है, नौकरी जो अभी वर्तमान में भर्ती निकाल रखी है बीजेपी सरकार
नगर परिषद में 237 भर्ती है, तो वहाँ में से दो डेथ पहली भी हुई ही अयन की ही घटना बा हुई ही एक्सीडेंटल केस हो, और दो तो बाकी ही और तीन ही या करके पांच नौकरी रिजर्व में विधायक जी खुद घोषणा करी है चीज की, 237 में से पांच नौकरियां की पक्की रिजर्व में है। ए थारा पिताजी है राजेंद्र जी, कितनी उम्र है तारी? मेरी 18। अब 18 साल को लड़को है, हालांकि माऊ बात कर छू, मैंने मेरा आंखों मन है जी को माऊ बहुत ज्यादा दुखी है, मैं बात कर छू आंखों आंसू निकल सी, मैं कौन चाहूँ आना और ज्यादा तकलीफ देनी, क्योंकि काल हुए तकलीफ में, एक तो पिताजी चले गए और बाकी लिए बाकी हकी राड़ा ने रात ना मध्य रात्रि 3 बजे तक लड़नी पड़ी है, तो पीड़ा के अंदर पहले ही है, ऐसा पीड़ा के अंदर ही है और ये पीड़ा ना आप समझ पा रहे हैं, कोशिश अपनी आ है कि सरकार भी आपकी पीड़ा ना समझे। एक और बात मैं कहना चाहूँ, जो लोग वाल्मीकि समाज का काम कर रहे हैं, बासु मेरा अनुरोध है, अगर थे लोग मना कर देगा बगैर रिकमेंड के साथ में उतर बागी तो लोग थाना उतार कौन सकेंगा, जबरदस्ती थारे धक्का कौन देवेंगा, थोड़ो थे भी समझ में लो बात ने, जना तक पूरी सेफ्टी नहीं मिला काम के लिए मना कर दियो, काम करवाना पड़सी विभाग ने, थे ने काम नहीं होसी तो जनता अपना आप रोष में आओगी, जनता बोलेगी कि काम करवाओ, जो लोग विभाग का ही भाई आके पीड़ा न समझे, बस समझा बागे लिए आप परिवार बात कर रहे हैं कि लोग चेते और जागे, जागर आंखों ऊपर आके सुध ली जावे। वीडियो शेयर कर जो थारो प्यार चैनल के साथ बनाए रख जो, एक परिवार और है सज्जन जी, बाकी हालत भी मतान दिखा शू।